हेलो दोस्तों, तो बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो रेडी हम हो चुके हैं, पूरा सामान हमारा पैक है। सबसे पहले हम श्री कृष्ण जी को नमस्कार करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, बैग हो चुका है हमारा तैयार, तो हम निकलने वाले हैं। तो लड़कों का बैग पैक भाई इतना ही होता है, इससे ज्यादा हम लेके नहीं जाते, ठीक है ना। तो घर वालों को बोल के बाय, हम निकल चुके हैं फाइनली डेस्टिनेशन की ओर। पहले हमें ट्रेन लेनी है, 8 बजे की ट्रेन है। उसके बाद जो है पहुंचे के कल सुबह 12 बजे तक हम जो है उत्तराखंड, फिर आपको वहां के व्यूज दिखाएंगे। तो ये है हमारी राम प्यारी, इस पे हम जाएंगे अभी स्टेशन तक। तो बाइक हमारी निकल रही है बाहर। हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कालीबली। ये कठुआ जम्मू कश्मीर का ये चौक है। तो अभी जब हमें घंटा वेट करना है यहाँ पर, तब तक वो आएगा, फिर हम निकलेंगे यहाँ से आगे स्टेशन के लिए। तो यहाँ से पापा मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी कठुआ के रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन हमारी सुनने में आया कि आधा घंटा लेट है, वैसे तो 8 बजे टाइमिंग थी, लेकिन देखते हैं अभी कब तक आएगी, वो तो अपडेट आपको दे ही देंगे। फिलहाल हम कुछ स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, स्टेशन का व्यू आपको दिखा देते हैं। तो ये वो बंदा है जिसने मेरे को 7 बजे से बुलाया और अभी 7:30 बजे ये बंदा पहुँच रहा है। खैर, हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पर, तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करके दूसरी साइड जाना पड़ेगा हमें। तो फाइनली भाई पहुँच चुके हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, हमारी ट्रेन आने वाली है। पहले हम बाहर खड़े थे, तो अभी हम जो हैं स्टेशन पर आए हैं अंदर। तो प्लेटफॉर्म 2 पर जा रहे हैं ये मेरे दोस्त, ये बैग है हमारे, ठीक है ना। तो अभी जब ट्रेन आएगी, पहले तो डब्बा ढूंढना पड़ेगा भाई, हाँ खाने के पैसे नहीं है और एसी की इन्होंने टिकट कराई है, वो भी उधार पे। तो चलो भाई मिलते हैं। जो है हम जो है अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही ट्रेन में जो है ट्रेन आने वाली है, और B2 हमारा जो है डब्बा है। 5,000 पर डे, 5,000 पर डे का बजट लेके चल रहे हैं। अगर इस बंदे ने पैसे ज्यादा खर्च करवाए तो बाकी इसे भाई इससे लेने पड़ेंगे, क्रेडिट कार्ड लेके आया है, ठीक है ना। बाकी देख लेते हैं कितना। फिलहाल ट्रेन आने वाली है, इसमें चढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारी ट्रेन हेमकुंड एक्सप्रेस जो है पहुंच चुकी है। तो अभी स्टेशन पर लगने वाली है, इसके बाद जो है हम अपना जो है डब्बा ढूंढेंगे और अपनी सीट देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ट्रेन में क्या क्या होने वाला है। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है समय से आधा घंटा लेट आई है, तो ये रही हमारी ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन हमें मिल चुकी है, वो सब मैं बना दूंगा, तो देखते हैं बाकी आगे जाके क्या हमारा जो है कैसा रहता है, सारा आपको इस ब्लॉग में देखते हैं। सोने की तैयारी हो रही है हमारी, कंबल अंबल लग रहे हैं, सारे लोग अपने बिस्तर बिछाएंगे, हम भी अपने बिछाएंगे और सो जाएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और हम जो है हरिद्वार स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। पहले आपको हरिद्वार स्टेशन की जो है हम जाहिर पहल दिखा देते हैं। ये हरिद्वार स्टेशन, इतनी ही भीड़ जो है जमी हुई है। हमारा जो है ट्रेन का डब्बा थोड़ा पीछे, इसलिए यहाँ पर रश आपको जो है दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोनों ही ओर अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। कितने ही लोग यहाँ पर आते हैं अपनी श्रद्धा के लिए, जो कोई गुजर जाते हैं उनकी अस्थियाँ जो है प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार में आना पड़ता है। और इस तरह जो है इकोनॉमी भी यहाँ पर चल रही है, इसी की मदद से देख सकते हैं कुली है यहाँ पर, उनका घर चलता है, जो ट्रेन पर यहाँ पर स्टेशन पर जो खाना पीते हैं उन लोगों का घर चलता है। लेकिन अगर सफाई की बात करें तो सफाई के मामले में तो कहा जा सकता है कि इतनी सफाई यहाँ पर नहीं है स्टेशन पर। जहाँ तक मेरे को लगता है उत्तराखंड सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि सैनिटेशन प्रोसेस को थोड़ा सा जा सके। अभी जो है हम यहाँ करके और पहले पहुंच जाती हुई बात है आपको, इस ब्लॉग फिर बताते हैं आपको कि कौन सा होटल हम लगा लेंगे। पहले 200 सुबह के बज चुके हैं 8:30 और हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पर। तो ये हमारी डेस्टिनेशन थी, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे होटल की ओर, और होटल में जाकर फिर शाम को निकलेंगे घूमने के लिए। फिलहाल होटल जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे,
उसके बाद देखते हैं कि कहाँ घूमने जाना है। कहाँ जाना है भाई, स्कूटी वूटी लेनी है या ऑटो करेंगे? स्कूटी लेंगे, स्कूटी लेंगे भाई, स्कूटी से देखते हैं अभी कहाँ जाना है, बताते हैं आपको इसी ब्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया व्यू अगर देख रहे हैं तो भाई इस रेलवे स्टेशन से बढ़िया व्यू कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किस तरह से आप देख सकते हैं कि साफ सफाई भी बढ़िया और सामने हमें माउंटेनियस जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जूम अपने व्यूअर्स के लिए हम कर देते हैं। क्या मस्त जो व्यू हमें देखने को मिल रहा है और स्टेशन भी आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है। नंबर ऑफ बैगर्स भी यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहे हैं, कोई इतने मतलब मांगने वाले भी नहीं है यहाँ पर। तो एक तरह से बहुत अच्छा मतलब एक एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया ये जो है स्टेशन है, जिसका जिसे पहले ऋषिकेश स्टेशन कहा जाता था, अब योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जो है व्यूज़ हैं इसके, देखने में मज़ा आ रहा है। आगे उत्तराखंड की खूबसूरती आपको तो दिखाएंगे ही हम इस ब्लॉग में। तो एक बात और अपने व्यूज से करना चाहते हैं कि अगर आप इस ब्लॉग पर 1 मिलियन व्यूज़ पहुंचा देते हो तो हम अगला ब्लॉग आपको बताएंगे कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान जाएंगे, वहां से आपको ब्लॉग बताएंगे जो है बनाकर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस ब्लॉग पर 1 मिलियन व्यूज़ पहुंचाने होंगे। और देखिए जिस तरह से हमने आपके साथ वादा किया था कि हम आपको खूबसूरती यहां की दिखाएंगे, बहुत देखिए जूम करके आपको बता रहे हैं क्या खूबसूरत के नज़ारे हैं ऋषिकेश स्टेशन के, किस तरह से इसे सजाया गया है टूरिस्ट के लिए। बहुत ही एस्थेटिक व्यूज़ यहाँ से जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तरह की मनोरम दृश्य। इस तरह के स्टेशन आपने कभी पहले देखे भी नहीं होंगे, तो मस्ट विजिट ज़रूर आइए यहाँ पर ऋषिकेश घूमने के लिए। ऑटो से उतर कर हम लोग जा रहे हैं जानकी झूला की ओर। जानकी झूला की आपको हम ग्लिम्पसिंग दिखा रहे हैं, सबसे पहले वो देखिए। और यहाँ से हम होटल की ओर जा रहे हैं अपने, यहाँ पर रूम बुक किए हुए हैं, देखते हैं। पहले यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा थोड़ा। तो ये देखिए भाई कितना बढ़िया यहाँ पर व्यू है। ये है हमारे पास कौन सा झूला, ये जानकी झूला। गंगा दिखाते हैं आपको, ऊपर से दिखाते हैं भाई। ये देखिए बढ़िया यहाँ से व्यू आपको दिखा रहे हैं हम गंगा का। एक मिनट बैग वगैरह। तो देखिए कितना जो है बढ़िया यहाँ से आपको व्यू हम दिखा रहे हैं गंगा का, कितना ही यहाँ पर अच्छा जो व्यू आ रहा है। पीछे पहाड़ों के साथ साथ आगे गंगा बहती हुई है हमें दिखाई दे रही है और लोग, और आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर स्कूटियों से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, स्कूटी और बाइक जो हैं आसानी से यहाँ पर आपको किराए पर मिल जाती हैं। 400-500 में आपको स्कूटी मिल जाएगी और 1000-1200 में जो है बाइक यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। फिलहाल आप हमारे साथ एंजॉय कीजिए जानकी झूला का ये मनोरम दृश्य। देख रहे हैं कितने लोग जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हम भी यहीं से गुजर रहे हैं अपनी होटल की ओर जाते हुए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से श्री महावीर जी का जो है सामने व्यू दिखता है, जहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं जानकी झूला से। और ये यहाँ से हमारा जो पैदल का था वो यहाँ से ख़त्म होता है और आगे हम होटल की ओर यहाँ से जाएंगे भाई। तो अगर आप कहीं से भी ये ब्लॉग देख रहे हैं पहले से ये लिखिए कहाँ से देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जहनमान जरूर लिखिएगा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ब्रजवासी होटल में। अगर हम देखें ऋषिकेश में इससे सस्ता होटल आपको कहीं नहीं मिल सकता। बढ़िया यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉस्टेलिटी बढ़िया है, बढ़िया तरीके से जो है रखा जाता है, बढ़िया जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे एसी रूम्स हमें मिल रहे हैं सिर्फ कितने 1500 पर डे में, 1200 पर डे में जो है हमें एसी रूम मिला है। अगर आप इसका इंफ्रा देखना चाहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। एसी में लगा हुआ है और एक LED हमें मिली है, इसके साथ एक टेबल है, चेयर है और ये वॉशरूम है साथ में। आप देख सकते हैं बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में बनाया गया वॉशरूम है और इसके साथ ही ये बेड है 2 पर्सन के लिए। तो
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मस्ट यहाँ पर आइए। ब्रिजवासी होटल का नाम है, जानकी झूला के पास आपको ये मिल जाएगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।